ये इंडिया में नहीं मिलते पाउचेज हैं छोटे छोटे, यहाँ के रेट्स ना थोड़े ऑलमोस्ट थोड़े ज़्यादा हैं। अबे पॉसिबल सो मच। सो हे एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं एक और नई कंट्री। अभी हम खड़े हैं अभी स्विट्जरलैंड के मेन स्टेशन पे, ज्यूरिख के मेन स्टेशन पे, और यहाँ से हमारी ट्रेन है पोटाइटल से बचल गया बेल्जियम की। और यहाँ से हमारी टोटल जर्नी है 7.5 या 8 घंटे के अराउंड, और बीच में हमें 2 ट्रेन भी चेंज करनी है, तो काफ़ी लंबा दिन है। और ये कुछ सामान है जो हम कैरी कर रहे हैं, हमने नीचे रखा हुआ, अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेन की। यहाँ पे सारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे फ्रांस की ट्रेन की आ रही है, सबकी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आती है। और हमारी ट्रेन इज़ अराउंड 9:59, हम उसी की वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आएगी हम वो ट्रेन बोर्ड करेंगे। और यहाँ पर जो गीज लिखा है आपके सामने, दैट इज़ प्लेटफॉर्म नंबर, हम उसी की वेट कर रहे हैं सारे लोग। ये कुछ इनका मेन स्टेशन है भाई, यहाँ पे साइकिल वाइकिल डॉग्स वॉक सब अलाउड है, तो हम वही वेट कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ इज़ इट। भाई एक चीज़ बहुत बुरी लगती है, हम यहाँ पे स्विट्जरलैंड में खड़े हैं, यहाँ पे जर्मन यूज़ हो रखी है, और इंडिया में जाओ तो इंडिया में इंग्लिश यूज़ होती है, हिंदी क्यों नहीं यूज़ होती? वाई डोंट वी प्रमोट आर ओन नेशनल लैंग्वेज? हम इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं, बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं उसको बोल के, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे देखो टोटली जर्मन यूज़ करी गई है। भाई हम अपने प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 17 है हमारे ऊपर लिखा है, और यहीं पे हमारी बस आई है। जैसे ये ट्रेन है, ठीक है, आपके हर ट्रेन के बाहर इधर नंबर लिखा होता है ट्रेन का, और ये क्लास लिखी है, क्लास 1 क्लास 2, हमारा फर्स्ट क्लास है, और नंबर यहाँ आ जाएगा, और कोच नंबर लिखा है 12, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हो। और ये ट्रेन जा रही है फ्रांस, और हमारे जाने वाली है बेल्जियम, तो उसी की हम वेट कर रहे हैं। बाकी सामने देखो ट्रैम भी चल रही है, सामने रोड है, एकदम ओपन स्टेशन है। तो भाई हमारा ना फर्स्ट क्लास बहुत पीछे था, तो हमें बहुत चल के आना पड़ा, थक गए। और ऐसा कुछ यहाँ का फर्स्ट क्लास आप देख सकते हो, आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था मैंने। और ये हमारी सीट है, और लगेज हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अभी ज़रा थक गए हम, सेकंड क्लास के आगे खड़े हैं, चल चल के आगे हैं फर्स्ट क्लास में। और ऐसा कुछ यहाँ से बाहर से दिख रहा है, और ये हमारी सीट है, और इसको आप टेबल को खोल भी सकते हो आइस से, ठीक है भाई। 9:59 ट्रेन थी, तो इंडिया की बहुत है, 9:59 की ट्रेन थी, और अभी 9:59 हो गया, ये चल पड़ी है करेक्ट 9:59 पे। कितने ज़्यादा पंचुअल है भाई ये लोग, आप सोच सकते हो। ये कॉफ़ी में सबसे बेस्ट है, स्विट्जरलैंड पीते हुए अभी हम ट्रैवल के टाइम लिया है, तो यस। तो फिलहाल तो हम ट्रैवल कर रहे हैं अपना स्विट्जरलैंड से बेल्जियम, और ऐसे कुछ व्यूज है, हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया। तो भाई अभी हमने फ्रैंकफर्ट पे, मतलब बीच में वो था, चेंज करनी है ट्रेन, तो फिर फ्रैंकफर्ट से लेकर बेल्जियम नॉर्थ तक जाना है, फिर बेल्जियम सेंटर तक जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेन यूज ना, वो डायरेक्ट कम मिलती है, डायरेक्ट मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो आपको ऐसे कनेक्टिंग ट्रेन नहीं करती है। तो अभी हमारा प्लेटफॉर्म 18 है, वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ से वो ट्रेन लेंगे। और ये है हमारा फ्रैंकफर्ट का स्टेशन, ये वाला है ट्रेन का सेंट्रल स्टेशन है। भाई हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया बेल्जियम की, ऐसी कुछ ट्रेन है, हम सो रहे हैं। भाई हम ब्रसल्स आ चुके हैं, ब्रसल्स का पहला इंप्रेशन देखो, यहाँ पे गंदगी देखो कितनी है रेलवे ट्रैक पे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे साफ लग रहा होगा पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन आ गए हो। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, हमें एक और ट्रेन लेनी है, अभी 1 घंटा आगे जाना है, तो उसकी वेट कर रहे हैं, शायद यहाँ पर आएगी और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो भाई ऐसा कुछ यहाँ का स्टेशन है, यहाँ लोग फिर कितने कार्टून वाले हैं भाई, अजीब सही। तो अभी हम अपनी ट्रेन की वेट कर रहे हैं, तो पहला इंप्रेशन बेल्जियम का मेरे को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा शेडी सी लोकेशन लग रही है, जहाँ पर चोरियाँ वोरियाँ भी काफ़ी होती हैं। तो हमारी अभी ट्रेन IC9 से चलने वाली है, और हमें वहाँ पे कोर्टिक जाना है, जो हमें 1.5 घंटे में वहाँ पहुँचा देगी। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, थक गया तो कुछ नहीं है, बट स्टिल एक टाइटनेस तो ही जाती है थोड़ी बहुत। तो वहीं जाएंगे, अभी रेस्ट करेंगे, मम्मी की फ्रेंड है जहाँ पे हम रुकने वाले हैं आज, लेट्स सी हाउ इज़ द एक्सपीरियंस।
बेल्जियम है, वहाँ पे एडवांस में दिखा रहा हूँ आपको मैं। हर जगह यूरोप में ना ये ग्रैफिटी से जरूर बना रखी है। भाई कहाँ रुकी है इस ट्रेन को, देखना कैसी लग रही है ठेडी सी। ये जो लड़का बैठा है इस पर शक हो रहा है क्योंकि ये बार बार सब पे नज़र रख रहा है, तो हम वही देख रहे हैं कि सब पे बिल्कुल इंपिटेंटिव है। आपको देखते हैं ना कुछ देख रहे काम उस चीज़ को ध्यान देने के साथ। भाई फाइनली हम आ गए हैं बेल्जियम के मेन, जहाँ पे हमें आना था कोर्ट तक। और ट्रेन में थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था, वो लड़का जो बैठा था उसकी उसकी ताक तो थी, वो काफ़ी लोगों को देख रहा था, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, पर उसका कुछ बन नहीं पाया इस बार, तो उसने यहाँ से निकल गया। बाकी ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है। अभी हम वेट ही कर रहे हैं, शायद मम्मी दोस्त आने वाले हैं, कहाँ पर आएंगी। और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पता नहीं कहाँ है। बाकी भाई काफ़ी तो थोड़ी बहुत तो अनसेफ लगी मेरे को, पहली बार की थी यूरोपियन सिटी में। क्या लगा था? 15 ही लिखा हुआ था ना उस कैंडी में, कर रहे लोग। तो भाई ये है कॉर्टेक सिटी जहाँ पे हमने अभी एंटर करा है। और तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? तो 10 साल हो गए। तो भाई यहाँ पे कार की पार्किंग है जहाँ हम जा रहे हैं। और इसी पर से हाँ और बस ये है क्या? तो भाई ये है GLC और इसके बारे में आप कुछ चीज़ बताएंगे। दिस इज फॉर्मेटिक, अच्छा GLC 300D फॉर्मेटिक। तो आज इसका 0-100 टेस्ट करेंगे हो सका तो फिर आपको बताएंगे। हाँ अंडरग्राउंड में तो भाई हम बैठ चुके हैं GLC में। चलाने में सही है? चलाने में अब तक मेरे को नियरली 1 साल हो गया इसको यूज़ करते हुए। और एवरेज वगैरह 6 लीटर। SUV में चलते इतना ही देती है? 6 मेरे को देती है, 6 लीटर के अंदर आपका 100 किलोमीटर है। सही है। यहाँ पे हमें कार्स ना ऑफिस से मिलती है। भैया ने बताया कि मतलब जो भी हर 4 साल में आप कार चेंज कर सकते हो। और डीजल भी ऑफिस से मिलता है अनलिमिटेड। हाँ। कार्ड मिलता है उससे आप कभी भी कितना भी फिल करा सकते हो। हाँ। तो अप टू 4 इयर्स होता है ना ये? हाँ जी। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है, बट जब एक्सेल में थे तब नहीं थे, जब जॉब स्विच करी ना तब मिली है। इंडियन कंपनी नहीं देती। इंडियन कंपनी तो कभी नहीं देती। हर दिन नई मिठाई मांगने आते हैं। मिठाई दे दो। मर्सिडीज़ की मतलब कोलैबोरेशन आती है तो क्या करते हैं, जो भी उनकी नई गाड़ी लॉन्च होती है वो 5-7 दिन के रखने दे देते हैं और मैं उसको टेस्ट करता हूँ, मतलब शूट करता हूँ उसके साथ। तो ये वाली आई है वहाँ पर GLC? GLC नहीं आई, मेरे पास अभी वो आई थी EQS 4MATIC, वो अभी नहीं आई है इनकी, वो पूरी इलेक्ट्रिक है। GLC तो नहीं आई है, ब्रेन उसकी बात चल रही है उसकी, G-Wagon की। एक बार G-Wagon चलानी है, G-Wagon तो बहुत ही मैंने उसमें देखी थी अलग है। किसमें? मूवी थी जो अमिताभ बच्चन उसमें थी।
ये वाली ऊंचाइयां, हां ऊंचाई उसमें थी, रेड कलर की मर्सिडीज ना। मर्सिडीज है तो बहुत प्यारी गाड़ी है। स्पीड लिमिट का जैसे यहाँ पे जोन 30 है आपकी। अच्छा, ये ट्रायंगल मतलब आपकी प्रायोरिटी है, ये जो डायमंड बना हुआ है ना ये वाला। हाँ जी, तो इसमें ये रोड पे आपकी प्रायोरिटी है, कोई अंदर नहीं हो सकता। ओके, अब जैसे मैं सोच रहा था इंटरनेशनल परमिट लेके मैं गाड़ी रेंट कर लेता यहाँ पे, बट मेरे को डर लग रहा था यहाँ के रूल्स बहुत अलग है और फाइन हो गया तो हो जाएगा। अच्छा, वो विंडमिल्स वहाँ जा रहे हैं क्या? विंडमिल्स के पीछे। अच्छा, सैटरडे संडे के बाद आप कॉल नहीं कर सकते, बॉस आपको कॉल नहीं करता, और करता है तो पता 5 बजे तक बाद आपको कोई कॉल करता है तो क्या होता है? वो टाइम उसको पे करना पड़ता है, एस्केलेशन्स होती है। और ये आपने फोन क्यों किया? बहुत सही चीज है, ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो लेबर से, लेबर यूनियन आ जाती है बीच में, तो इतना चीज आती भी रहती है। सीरियस है तो भाई, इंडिया में सारी चीजें आनी चाहिए यार।